प्रकार होते हैं। मैंने आपको आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और ऑड लेग कैलिपर के बारे में लास्ट क्लास में बता दिया था, और मैंने कहा था कि अगली क्लास में हम अगले इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे कि अगला इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो डिवाइडर, डिवाइडर क्या है, डिवाइडर आपको मैंने ड्रॉइंग की क्लास में सब कुछ बता दिया था कि डिवाइडर क्या है। डिवाइडर हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। क्या है हमारा? इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है, यानी कि डिवाइडर क्या करता है, मेजरमेंट का ट्रांसफर करता है, क्या करता है, माप का स्थानांतरण करता है। डिवाइडर क्या है, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। आप प्रत्यक्ष मापी हो जा रहे हैं, यानी कि इसको यूज करते वक्त हमें स्टील रूल की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बताया था क्योंकि इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल एक ऐसा मापी है जिसमें क्या है, मेजरमेंट करते वक्त हमें दो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो उसके हम क्या करते हैं, डिवाइडर भी लेते हैं और साथ ही साथ हम स्टील रूल का भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया था डिवाइडर क्या है, डिवाइडर का मटेरियल क्या है, डिवाइडर कितने टाइप के होते हैं। मैंने बस ये बता दिया था डिवाइडर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, प्लेट डिवाइडर एंड बोर्ड डिवाइडर। मैंने आपको बता दिया था कि प्लेट डिवाइडर खासियत क्या है, बोर्ड डिवाइडर खासियत क्या है, सभी मैंने बता दिया था। इसलिए मैं डायरेक्ट डिवाइडर मेरा डिस्कशन नहीं करूंगी, अगला जो टॉपिक है जो कि ट्राई स्क्वायर है उनके बारे में मैं बताऊंगी, ठीक है। डिवाइडर मैंने वो ड्राइंग क्लास में बता दिया है, आप वहां से कवर कर लीजिएगा। और वैसे भी आपने ड्राइंग क्लास अगर की होगी तो आपको डिवाइडर के बारे में पता होगा कि डिवाइडर क्या है, डिवाइडर टाइप क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है आज हमारा टॉपिक, क्या है, व्हाट इज ट्राई स्क्वायर, कि ट्राई स्क्वायर क्या है, क्या है ट्राई स्क्वायर क्या है, जिसे हिंदी में गुनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुनिया। क्या कहा जाता है? गुनिया कहा जाता है। ज्यादा हम लोग सिर्फ ट्राई स्क्वायर ही बोलते, गुनिया इन सब वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो क्या आप जान लो, गुनिया कहा जाता है हिंदी में और इंग्लिश में कहा जाता है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर क्या तुम्हारा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, मैंने आपको प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था। सूक्ष्म मापी यंत्र, वैसा मापी यंत्र जिससे कि सूक्ष्म माप लिया जा सके, शुद्ध माप लिया जा सके, उस मापी यंत्र को हम लोग शुद्ध मापी यंत्र, सूक्ष्म मापी यंत्र या फिर प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ट्राई स्क्वायर क्या है हमारा? ट्राई स्क्वायर हमारा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। उसका काम क्या है? ट्राई स्क्वायर हमारा ऐसा होता है। ट्राई स्क्वायर क्या है? ट्राई स्क्वायर टू टाइप्स होते हैं, उनके बारे में बताऊंगी आपको, लेकिन आप जान जाओ ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्राई स्क्वायर है। क्या है हमारा? ट्राई स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या हमारा ट्राई स्क्वायर है? ट्राई स्क्वायर कुछ ऐसा होता है, ये क्या होती है, इसकी स्टॉक होती है, क्या होती है, इस पोर्शन को हम स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक। मैंने लिख दिया स्टॉक, ठीक है। और ये जो हमारा पोर्शन है जो वर्टिकल टाइप में है, वर्टिकल लाइन में है, इसे कहते हैं ब्लेड। जो हमारा ट्राई स्क्वायर होता है उसके इस पोर्शन को स्टॉक कहा जाता है और वर्टिकल पोर्शन को ब्लेड कहा जाता है। स्टॉक और ब्लेड क्या होते हैं? आपस में 90 डिग्री के एंगल पर जुड़ी होती है। क्या होती है? 90 डिग्री के एंगल पर जुड़ी होती है। मान लो ये हमारा स्टॉक है और ये हमारा ब्लेड है। क्या है? ये स्टॉक है और ये हमारा ब्लेड है, जो कि 90 डिग्री के एंगल पर जुड़ी होती है। नाम याद रखिएगा, इस पोर्शन को कहते हैं स्टॉक कहते हैं और इस पार्ट को हम ब्लेड कहते हैं। इस पार्ट को स्टॉक, इस पार्ट को ब्लेड कहा जाता है। तो ट्राई स्क्वायर क्या है? हमारा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, सूक्ष्म मापी यंत्र है। उसका काम क्या है? ट्राई स्क्वायर का काम क्या है? तो ट्राई स्क्वायर क्या करता है? किसी भी फ्लैट सरफेस की स्क्वायरनेस, यानी कि वर्गाकारिता। स्क्वायरनेस को हिंदी में वर्गाकारिता कहा जाता है। तो क्या है? ये किसी भी फ्लैट सरफेस की समतल सतह की स्क्वायरनेस चेक करता है, यानी कि वर्गाकारिता चेक करता है। मान लो कि ये हमारा कोई एक सरफेस है, मान लो कि ये हमारा एक सरफेस है, ये इसे क्या करेगी? स्क्वायरनेस चेक करेगी। ट्राई स्क्वायर क्या करेगी? इस सरफेस की, इस समतल की स्क्वायरनेस को चेक करेगी। और साथ ही साथ इस, ये जो हमारा जो भुजा है, ये जो हमारा साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये दोनों साइड 90 डिग्री में है या नहीं है, ये हमारा ट्राई। मल्टीक्राफ्ट प्राइवेट ITI गोविंदपुर धनबाद, एडमिशन ओपन, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर, कॉन्टेक्ट नंबर 9431168747। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था कि ट्राई स्क्वायर क्या है, हमारा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, जो काम क्या करता है कि हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्क्वायरनेस
और उनकी दोनों साइड 90 डिग्री यानी राइट एंगल में है या नहीं है उसको चेक करते हैं। अब जानते हैं इनके एक्यूरेसी के बारे में, इसकी एक्यूरेसी क्या है यानी इसकी शुद्धता क्या है। तो इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, इसकी एक्यूरेसी हमारी 0.002 एमएम पर 10 एमएम लेंथ तक होती है। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, इसकी एक्यूरेसी 0.002 एमएम पर 10 एमएम की लेंथ तक होती है। यानी कि अगर 10 एमएम की लेंथ लेते हो तो उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, 0.002 एमएम तक की एक्यूरेसी होती है। किसकी होती है, ट्रायस लेंथ होती है। ट्रायस करते हैं, हमारा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, काम क्या करता है, स्क्वायरनेस को चेक करता है, राइट एंगल को चेक, उसके दोनों साइड राइट एंगल है या नहीं उसको चेक करता है। ये क्या मैंने ट्रायस पर बता दिया कि ट्रायस पर क्या है। अब बात करते हैं मेटेरियल के बारे में कि मेटेरियल क्या है। ट्रायस पर हमारा कौन से मेटेरियल का बना होता है, तो आपको जैसे कि मैंने बोला कि ये हमारी ब्लेड है, ये जो ब्लेड है ये ब्लेड हमारा हाई कार्बन स्टील मैंने हाई कार्बन स्टील को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है HCl, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका जो ब्लेड होता है ये हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। स्टोक किसका बना होता है, स्टोक हमारा अलग मेटेरियल से बना होता है जो कि क्या है, हमारा माइल्ड स्टील या फिर कास्ट आयरन, MS यानी कि माइल्ड स्टील, CI यानी कि कास्ट आयरन। ये क्या है, स्टोक जो हमारा है, स्टोक हमारा है, ये क्या है हमारा माइल्ड स्टील की या फिर कास्ट आयरन की बनी होती है। ब्लेड हमारी हाई कार्बन स्टील की और स्टोक हमारी माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन की बनी होती है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा इसका मेटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लेड हाई कार्बन स्टील और स्टोक माइल्ड स्टील या फिर कास्ट आयरन का बना होता है। साइज क्या है, अगर आपसे पूछ ले कि इसके साइज क्या है, क्योंकि अगर आप मार्केट में खरीदने जाते हो ट्रायस पर को तो आप किस चीज में खरीदोगे, तो आपको जो दुकानदार है जो शॉपकीपर है आपसे उसका साइज पूछेगा। तो इसका जो साइज होता है इसके लेंथ के अकॉर्डिंग किया जाता है, जो ब्लेड की जो लेंथ होती है, तो ये हमारा ब्लेड है, ये हमारा ब्लेड है, तो जो ब्लेड की जो लेंथ होती है उसकी जो लंबाई होती है उसके अकॉर्डिंग इसका साइज दिया जाता है। मैंने लिख दिया है लेंथ ऑफ ब्लेड, यानी कि ब्लेड की लंबाई के अनुसार आप इसका साइज को बता सकते हो कि इसका साइज क्या है। ठीक है, देखो मैंने आपको बोला था कि स्क्वायरनेस और राइट एंगल को चेक करता है, कहां पर करते हैं, तो इसका इस्तेमाल वर्कशॉप में किया जाता है। कहां किया जाता है, वर्कशॉप में इसका यूज किया जाता है। क्योंकि वर्कशॉप में क्या है, अगर जॉब बनाओगे कोई भी चीज को बनाओगे, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो क्या क्या वहां पर उसकी स्क्वायरनेस को चेक करोगे। कोई भी जॉब बनाते हो तो आपको जॉब को परफेक्ट बनाना है, हर चीज में अच्छा बनाना है, तो आप उसकी जो फ्लैटनेस चेक करोगे, उसकी जो साइड चेक करोगे, तो क्या है आप उस टाइम ट्रायस पैर का इस्तेमाल करोगे। क्योंकि ट्रायस पैर क्या, हमारा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, हमारा सूक्ष्म मापी यंत्र है, यानी ये क्या हमारी शुद्धता से इसकी मार्किंग करती है और चेकिंग करती है। ठीक है, और हमारे वर्कशॉप में इसका यूज भी किया जाता है। फ्रेंड्स, मैंने आज आपको ट्रायस पैर के बारे में बता दिया, ट्रायस पैर क्या है। ट्रायस पैर के भी बहुत से टाइप्स होते हैं, जैसे कि ट्रायस का हमारे एल टाइप का भी आता है और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी होते हैं, उनके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। मैंने आपको डिवाइडर के बारे में बताया कि डिवाइडर हमारा क्या है। डिवाइडर क्या है हमारा, याद रखेगा, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि आप प्रत्यक्ष माप को जा रहे हैं, कहां इस्तेमाल करते हैं, मेजरमेंट ट्रांसफर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसके साथ करते हैं, जब भी डिवाइडर का इस्तेमाल करेंगे तब क्या है, हम स्टील रूल का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे, उसकी जो मेजरमेंट को रीडिंग करने के लिए, उसकी मेजरमेंट को जानने के लिए कि उसकी मेजरमेंट क्या है। डिवाइडर के टाइप्स क्या होता है, प्लेट डिवाइडर होता है, बोर्ड डिवाइडर होता है, मैंने आपको बताया। फिर मैं ट्रायस पैर के बारे में बताया, ट्रायस पैर क्या है, ट्रायस पैर हमारा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि परिशुद्ध मापी यंत्र है, सूक्ष्म मापी यंत्र है। ये हमारा ट्रायस पैर होता है, स्टोक होती है, ब्लेड होती है, 90 डिग्री में फिट रहती है, यूज करते हैं, वर्कशॉप में इस्तेमाल करते हैं। साइज क्या होती है, लेंथ ऑफ ब्लेड होती है, ब्लेड की लंबाई से इसका साइज दिया जाता है, इसका काम दिया जाता है। मटेरियल क्या होती है, ब्लेड हमारी हाई कार्बन स्टील की और स्टोक हमारा कास्ट आयरन या फिर माइल्ड स्टील का बना होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ट्रायस पैर के बारे में बताया, अगले क्लास में मैं आपको टाइप्स ऑफ ट्रायस पैर बताऊंगी कि ट्रायस पैर के कितने कितने टाइप्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के बस इतना ही।